हेलो गाइस, तो वापस आ गए हम। बधाई हो, टीम इंडिया जीत गई और बहुत अच्छा लगा जसप्रीत बुमराह को इस तरीके से बॉलिंग करते हुए, जस्ट लाइक कि पुराना जसप्रीत बुमराह वापस आ गया। वो शुरुआत में गुड लेंथ से बॉलें अंदर बाहर करना, बाद में डेथ ओवर्स में यॉर्कर और स्लोअर बॉल में बल्लेबाज को फंसा के रखना, प्योर जसप्रीत बुमराह, प्योर क्लास। आज लगा ही नहीं कि मतलब जसप्रीत बुमराह कहीं गए थे। पिछले मैच में थोड़ा सा वो प्रिकॉशनरी बॉलिंग कर रहे थे, वो आखिरी में उनकी डिलीवरी में थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा प्रिकॉशन ले रहे हैं, पर आज उन्होंने फुल अपने आप को ऑन रखा और पूरा कॉन्फिडेंस से और पूरी फिटनेस से और पूरे जज्बे से बॉल डाला। उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, बात करनी ज़रूरी है इस गेंदबाज के बारे में। स्टार्टिंग स्पेल आग लगा दी, दो विकेट बैक टू बैक, जड़ें हिला दी आयरलैंड की। जो आयरलैंड इस टारगेट को 33 रन से हारा है वो इसलिए ही हारा क्योंकि शुरुआत में प्रसिद्ध कृष्णा ने ऐसी गेंदबाजी करी कि भाई सांस नहीं लगने दी। हाँ, उन्हें डेथ बॉलिंग का मसला है, ये उन्हें देखना पड़ेगा अगर उन्हें टीम में कंसिस्टेंटली मौके चाहिए, क्योंकि आप शुरुआत में तो अच्छा डाल रहे हो बट आप डेथ में उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हो। अर्शदीप सिंह ने भी अच्छी बॉल डाली, शुरुआत में विकेट नहीं मिले, फिर बाद में मेन एंड्रू बालवर्नी का विकेट उन्होंने निकलवाया। उससे पहले एंड बालवर्नी ने उन्हें छक्का भी मारा था उससे पिछली बॉल पर आउट होने से पहले, बट अर्शदीप ने प्लान को थोड़ा सा चेंज किया, वाइड यॉर्कर की तरफ गए और बालवर्नी ने तेज़ी से बल्ला घुमाने की वजह से वो कैच दे दिया संजू सैमसन को, कीपर्स कैच था वो। संजू सैमसन की भी अगर हम बात करें तो बॉल बैटिंग तो ठीक थी पर कीपिंग में उन्होंने बहुत सारे, मेरे हिसाब से बहुत सारे, दो से तीन अपने क्या बोलते हैं बॉल कलेक्ट नहीं करी। आखिरी में भी हम देखें तो वो नॉर्मल बॉल डॉट बॉल होनी थी पर वो भी चौका चले गई पाएगी, जसप्रीत बुमराह की बात कर रहा हूँ मैं। रवि बिश्नोई, वही काम जो उन्होंने पिछले मैच में किया था, दो विकेटें बहुत ही अच्छे से, बीच में आके प्रेशर बनाना एक बेहतरीन काम कर रहे हैं लेग स्पिनर, और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए। अगर हम देखें तो अगर हम दो स्पिनर ले जाएंगे तो चहल और बिश्नोई का ज़्यादा लग रहा है, सॉरी कुलदीप और बिश्नोई का ज़्यादा लग रहा है, चहल का थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि चहल उस लेवल पर बॉल नहीं डाल रहे हैं, तो चहल के लिए भी एक अच्छा कॉम्पिटिशन है रवि बिश्नोई। शिवम दुबे की बात करें तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि शिवम दुबे एक अच्छी बॉल को बॉल करनी कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी और मैंने करवाई भी थी उन्हें, बट शिवम दुबे में ये मैंने देखा कि बॉलिंग वो सिर्फ एक नॉर्मल भाग किया कि बॉल ही डाल रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ चेंज ऑफ पेस नहीं कर रहे हैं और अपनी स्पीड पे भी वो ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं। ये उनको एक वीक कंटेंडर बना रहा है टीम इंडिया में परमानेंट सीट का, क्योंकि बैटिंग तो वो ठीक है बट बॉलिंग में उन्हें वीकनेस दिख रही है, और कभी भी कोई भी किसी भी बैट कोई बैट्समैन उन्हें आराम से आसानी से टारगेट करके उन पर रन स्कोर कर रहा है। तो ये शिवम दुबे को भी सोचना पड़ेगा कि मुझे अपनी बॉलिंग कैसे इम्प्रूव करनी है, क्योंकि बैटिंग तो उनकी अच्छी खासी है पर बॉलिंग उनकी उस पाए की नहीं है जो एक ऑलराउंडर की होनी चाहिए, जस्ट लाइक हार्दिक पांड्या जय और जस्ट लाइक अदर ऑलराउंडर्स ऑल्सो। विजय शंकर की बॉलिंग मुझे इससे थोड़ी बेहतर लगती है। वाशिंगटन सुंदर, बंदे ने बहुत कोशिश करी पर वो विकेट नहीं मिल पाया। ऋतुराज ने कैच भी छोड़ा बालवर्नी का वाशिंगटन सुंदर की बॉल पर, बट ओके बॉलिंग थी वाशिंगटन सुंदर की, कोई ख़राब बॉलिंग नहीं करी थी वाशिंगटन ने। बात करें आयरलैंड की बैटिंग की तो आयरलैंड की बैटिंग में बालवर्नी का 50, पर वो 50 भी थोड़ा स्लो था। स्लो इसलिए था क्योंकि उन्हें पारी बिल्ड भी करनी थी, रन्स भी उन्होंने ही बनाने थे, क्योंकि दूसरी तरफ से उनको वो साथ नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें चाहिए था साथ। बाद में आके उन्हें डॉकरेल का मिला जरूर पर वो डॉकरेल का साथ भी ज़्यादा चला नहीं, मतलब पार्टनरशिप हुई 50 रन की पर उसके अलावा उसके बाद जब उन्हें इस टारगेट को आगे पुश करना था, इस टारगेट पर कौन रखना था, तब एक मिस जजमेंट की वजह से वो डॉक्टरल आउट हुए। और इसमें क्या, और अभी साथ साथ में चल रहा था न्यूजीलैंड वर्सेस यूएई, तो पिछले मैच जीता जरूर यूएई ने था पर न्यूजीलैंड को एक डेंट लगा था, क्योंकि आप किसी एसोसिएट नेशन से अगर हारोगे, और पिछले मैच में शायद 2 या 3 ओवर पहले यूएई ने चेस कर लिया था, तो न्यूजीलैंड के लिए भी ये डू और डाई था, और अब उन्हें दिखाना था कि हम पिछला मैच बस हार गए थे, थोड़ा सा हम कैजुअल ले गए थे बट
अपनी जो एक होती है ना प्राइड, अपनी धौंस जमाने के लिए उन्होंने जो बॉलिंग आज जो उन्हें मैच खेलना था तो उन्होंने वैसे ही खेला, आराम से 31 रन से वो मैच जीते और बेहतरीन बॉलिंग करी उन्होंने बाद में। यूएई को बिल्कुल भी गेम में नहीं आने दिया, बिल्कुल भी। बात करें तो चैपमैन की बैटिंग बड़ी शानदार थी, बॉलिंग में भी उनके आज आदित्य अशोक का डेब्यू था तो ठीक ही बॉलिंग थी, क्योंकि अब न्यूजीलैंड वो टीम है जब सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। बैन लिस्टर ने भी 3 विकेट लिए, काइल जेमिसन ने भी विकेट लिए, टिम साउदी ने भी ठीक बॉलिंग कराई। हाँ, पर ये हम एसोसिएट करते भी हैं न्यूजीलैंड की बॉलिंग से, सामने कोई ऐसी पाई की टीम भी नहीं थी, यूएई थी। बट पिछले 2 मैचेस में यूएई ने जो कंपटीशन दिखाया था न्यूजीलैंड को, तो उससे थोड़ा सा न्यूजीलैंड भी अपने आप को वेल प्रिपेयर करके आई थी कि भाई हाँ हमें इन्हें थोड़ा इन पर होमवर्क करना पड़ेगा और इन्हें देखना पड़ेगा कि कहाँ वीक है कहाँ स्ट्रांग है। बट इस न्यूजीलैंड टीम को हम देखेंगे कि आगे ये न्यूजीलैंड की टीम कंटिन्यू नहीं करेगी, क्योंकि इसमें बहुत से बड़े प्लेयर मिसिंग थे, जस्ट लाइक डेविन कॉनवे, केन विलियमसन की तो मैं खैर बात नहीं करूँगा, ग्लेन फिलिप्स, ट्रेंट बोल्ट तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी खेलते नहीं है, शायद डायरेक्ट वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप उनकी एंट्री होती है। उसके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन इसमें मिस कर रहे थे, बट जो मेन कैरेक्टर जो मेन प्लेयर था इस सीरीज़ के, जस्ट लाइक मार्क चैपमैन प्लस मिचेल सैंडर एंड जेमिन इशम, ये 3 वो प्लेयर थे जो आपको कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली दिखते हैं न्यूजीलैंड के स्क्वाड में और प्लेइंग 11 में भी दिखते हैं। अगर हम इंडिया की दोबारा से इंडिया वाले मैच में आ जाए तो बुमराह की क्लास बहुत अच्छी, बहुत ही गजब बॉलिंग, बहुत ही गजब। बैटिंग में भी इंडिया ने, अब बात तीसरी T20I की करें तो तीसरी T20I में अब इंडिया के पास क्या रहेगा, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो, जितेश शर्मा, मुकेश कुमार, इन सबको टेस्ट कर सकते हैं। मुकेश कुमार को टेस्ट करने के लिए हम थोड़ा सोच सकते हैं कि करें या ना करें, क्योंकि उन्होंने पूरा दौरा लगभग उन्होंने खेला ही था वेस्ट इंडीज़ वाला, बॉलिंग भी ठीक ठाक ही करवाई थी उन्होंने, तो वहाँ उन्हें तो अभी मौका थोड़ा कम लग रहा है। बट जितेश शर्मा को अगर ये किसी तरीके से एंट्री देना चाहें तो इन्हें देखना ज़रूर होगा, जितेश शर्मा इज़ अ गुड प्लेयर। तिलक वर्मा के लिए थोड़ा सा अब उन्हें तीसरे मैच में देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके 2 मैच बिल्कुल ही मतलब बिलो एवरेज बिल्कुल। एक में वो 0 पे आउट हुए, दूसरे में उन्हें सिर्फ 1 ही रन बना पाए, तो भले ही लोग कुछ ना कहें पर उन्हें भी अंदर से देखना, उनकी सोच ये होगी कि कैसे जो मुझे एक कंटेंडर को दिखाया जा रहा था वर्ल्ड कप के लिए, क्या मैंने वो सीट खो दी है या मैं आगे कुछ कर सकता हूँ अभी भी, क्योंकि कल शायद मेरे ख्याल से एशिया कप का स्क्वाड भी अनाउंस हो जाएगा, तो देखना होगा कि संजू सैमसन उसमें होंगे, सूर्य कुमार यादव के लिए भी एक रोप दे रहे हैं, देखा सूर्या ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो एक रोप दी जा रही है मैनेजमेंट की तरफ से कि वो खेलेंगे और उन्हें क्या रोल दिया जाएगा, डेथ फिनिशिंग का, लास्ट के 15 ओवर्स में आके एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का। और ये सीरीज़ आज ख़त्म हो गई, आखिरी मैच भले ही हो बट सीरीज़ आज ख़त्म हो चुकी है इंडिया के लिए, सीरीज़ वो जीत चुके हैं। अब मेन उनका जो अब अगला टारगेट है वो एशिया कप ही है, तो अब एशिया कप की बातें ही होंगी इस चैनल पे, और हमें देखना होगा कि अब कैसे आप पाकिस्तान की मेन जो ट्रियो है हारिस, नसीम और शाहीन, उसको कैसे काउंटर करेंगे। हाँ, ये अभी एक जो इंजरी अपडेट थी नसीम शाह की, वो भी देखनी होगी कि नसीम शाह क्या फिट हो पाएंगे शुरुआती मैचेस में पाकिस्तान के लिए, वो डेंट बहुत ज़्यादा लगेगा। चलिए फिर गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी बता सकते हैं कि आपको किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। मेरे तरफ से प्लेयर ऑफ द मैच आज मैं देना चाहूँगा रिंकू सिंह को, क्योंकि उन्होंने लास्ट में जो बारी खेली वो इंडिया को एक पुश दे गई कि इंडिया ये मैच ने बहुत सेफ स्कोर में जाके ये ले गई है, वरना अगर आप रिंकू सिंह की पारी अगर निकाल देते या रिंकू सिंह को आखिर में चार्ज नहीं करते तो आप 160 पे रहते, 160 पे आयरलैंड इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से कर सकता था। तो मेरी राय में रिंकू सिंह, गायकवाड़ भी हो सकता था पर गायकवाड़ को भी आप जिसकी मर्जी, मेरी मर्जी रिंकू सिंह है, गायकवाड़ ने भी अच्छा काम किया। बॉलिंग में बुमराह ने अच्छी वापसी कराई, सिर्फ मतलब 6 रन पर रन ओवर से भी कम की इकॉनमी से बुमराह ने बॉल कराई, तो आप देख सकते हैं बुमराह की क्या क्लास है, कैसे वो बॉल डालते हैं, ये सब देखना होगा।
तो बैटिंग में रिंकू सिंह एंड बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, क्लास, प्योर क्लास, दोनों ने अपनी क्लास दिखाई, रिंकू सिंह ने बैटिंग से और जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग से। बस यही कहना चाहेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा को डेथ में काम करना पड़ेगा। अर्शदीप ने नया बॉल थोड़ा आज कम हिलाया जिसकी वजह से उनको विकेट नहीं मिल पाए, पर लास्ट में उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा कवर अप कर ही लिया था। चलिए फिर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बोल दिया मैंने इस बारे में, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गुड नाइट, जय हिंद।